एडवोकेट उमेश पाल की हत्या से ही नया विवाद शुरू हुआ। इस हत्या का आरोप अतीक, उसकी पत्नी शाइस्ता, उसके भाई अशरफ पर भी लगी। ये अतीक और अशरफ की फिर हत्या हो गई है और इस मामले की एसआईटी जांच भी चल रही है, लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक उमेश पाल की पत्नी जया पाल की तरफ से कोई बयान नहीं आया था। हम जया जी से खुद बात करते हैं जो हमारे साथ हैं। उमेश पाल की तस्वीर भी लगी, हम उन्हीं के घर पर हैं। हम एक सवाल पूछना चाह रहे थे, जब मैं आपके घर की तरफ आया हूँ तो बहुत लंबे मतलब चारों तरफ सुरक्षाकर्मी हैं, पुलिस वाले हैं, क्या कोई खास वजह? अभी भी किसी बात का डर? जी डर तो है, डर ऐसा है कि अतीक अहमद अशरफ ये ख़त्म हुए हैं और आज उसकी पत्नी जो है बाहर है, शाइस्ता परवीन और गुलाम गुड्डू मुस्लिम ये सब बाहर है और कहीं ना कहीं इनका भी खौफ है, तो ये भी कुछ कर सकते हैं क्योंकि आज तक अतीक अहमद जेल में रह करके जो कार्रवाई करता था तो उसकी उसके कार्य को अंजाम देने वाली उसकी औरत रहती थी, तो वो अपने गुर्गों के साथ मिल करके कुछ भी काम कर सकती है और प्रशासन को भी ऐसा लगता है, इस वजह से उन्होंने सुरक्षा मुहैया कराई हमको है। आपको अपने मूवमेंट को लेकर भी दिक्कत है कि कहीं बाहर आना जाना हो इस तरीके, उसको आपको डर लगता है? फिलहाल मुझे बाहर तो आना जाना उतना नहीं होता, लेकिन हाँ जो भी जहाँ जाना होता तो गुप्त तरीके से जाई जाती है और सुरक्षा उस हिसाब से लगी हुई है। मैं ये जानना चाह रहा था कि अब अतीक भी नहीं रहा, ना अशरफ रहा, ना उसका बेटा असद रहा, उसके कई शार्प शूटर भी मारे गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि शाइस्ता के पास अभी भी उतनी ताकत है और उसके लोग हैं कि उससे आपकी जान को खतरा हो सकता है? आपको लगता है कि चिंता की बात अभी भी बनी हुई है? नहीं, चिंता की बात तो है, शाइस्ता परवीन सारे अतीक अहमद का बागडोर संभाल रही थी और वो आज काफ़ी समय से ये सब को कार्यवाही को देख रही थी, तो अपना ये जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उन ये हथकंडे भी अपनाती होंगी और आज जो मेरे पति की हत्या हुई है तो कहीं ना कहीं उनका भी हाथ या रोल रहा होगा, क्योंकि आज जो उसका लड़का इस तरह का अंजाम दिया तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं इस तरह से कार्य कर सकती हैं। आपने उन्हें शाइस्ता को मतलब आरोपी भी बनाया, मुकदमे में उसका नाम भी है? जी हाँ, मैंने आरोपी भी बनाया और मुझे पूरा विश्वास भी है कि हाँ वो ऐसा काम कर सकती भी हैं, तो क्योंकि अगर ये इस तरह की औरत ना होती तो आज ये घर में अपने रहती जिस तरह से आज मैं रह रही हूँ तो ये भी रहती, आरोपी ना होती और ये भागती भी नहीं, ये इस तरह का कार्य करती, इस वजह से ये हटी हुई हैं और साथ में इनके शूटर भी हटे हुए हैं साथ में। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी तमाम पार्टियां हैं जो इस बात को कह रही हैं कि पुलिस कस्टडी में अतीक और अशरफ की जो हत्या हुई उसकी जांच होनी चाहिए, ये गलत हुआ। आप भी इस बात को सुनती होंगी, अखबारों में पढ़ती होंगी? ये जो कार्रवाई हो रही है पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से एसटीएफ के द्वारा हो रही है, कार्रवाई उचित हो रही है और ये जो घटना हुई है तो घटना फिलहाल तो इस तरह से नहीं होना चाहिए था, लेकिन पुलिस प्रशासन के होते हुए बहुत कुछ उन्होंने सुरक्षित किया था, अब वो मीडिया के द्वारा किस तरह से इनको आकर के हत्या किया गया ये मुझे जानकारी नहीं है। कुछ लोग ये भी कहते हैं ना कि हो सकता है कि जो एक कहा जा रहा है कि अशरफ गुड्डू मुस्लिम के बारे में कुछ कहना चाह रहा था, ये तर्क ये भी है कि उसी के लोग कहीं हत्या करवा सकते हैं, कुछ राजदार हो सकते हैं, ऐसा भी कुछ आपको शक होता है क्या? देखिए इसके बारे में बहुत जानकारियाँ मुझे नहीं है, अब अतीक अहमद अशरफ ने क्या जवाब यानी बोला कि गुड्डू मुस्लिम क्या, ये सब मुझे जानकारी नहीं है तो मैं इन सब के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। आपको नहीं लगता कि वो दोनों आज जीवित रहते तो बहुत सारे राज खुलते, बहुत सारी बात मतलब चीज़ें सामने आती? उन्होंने तो बहुत कुछ कहा था जब थाने में थे ये, तो उन्होंने कहा कि मैं देख लूँगा, बाहर निकलता हूँ तो मैं देख लूँगा, मैं उन जो पुलिस प्रशासन या एसटीएफ में जो कुछ रहे हैं तो मैं उनको देख लूँगा, ये सब धमकी दे रहा था, तो इससे यही पता चलता है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा अपने आप को लगाता रहा, इस वजह से वो धमकियाँ दे रहा था, तो प्रशासन अपना कार्य कर रही है, उचित भी है, सही लग रहा है। आप अभी तक की जांच से बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं? जी हाँ, मैं प्रशासन शासन और एसटीएफ के द्वारा जो कार्रवाई हो रही है
उचित कार्रवाई हो रही है। आपको कभी कोई पीछे लौट के नहीं लगता कि एक घटना हुई यहाँ के सामने में आपके पति के साथ ये हुआ और अचानक से पूरी जिंदगी बदल गई आपकी? मैंने कभी भविष्य में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। आप इमोशनल हो रही है। भविष्य में मैंने सोचा नहीं था हम, लेकिन ये हो गया। जयपाल चूंकि जिस पे गुजरता है वही जानता है और बहुत इमोशनल हो गए इसीलिए बहुत बातें कहना चाह रही थी वो नहीं कह पाई हैं। कैमरामैन निशांत के साथ पंकज झा, TV9 भारतवर्ष।